प्यारे बच्चों, चलिए आइए हम लोग क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट को एनसीईआरटी बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.7 पढ़ रहे थे, पिछले दिन हम लोग 15 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आइए एक्सरसाइज 5.7 का 16 नंबर को देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए तो ये पता चल रहा है कि e के पावर y बाहर है, फिर इनटू है यहाँ पे x प्लस y ब्रैकेट में है और बराबर में दिया है 1। और यही क्वेश्चन के सहायता से फिर आपको प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आप एकदम आसानी से सोचिए ये बात कि हमको तो कहीं ना कहीं दोनों चीज इस्तेमाल करना है। एक बार पहला डिफ्रेंसिएशन करना है, एक बार दूसरा बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कुल मिलाकर चीजें ये आ रही है नजर कि ये जो क्वेश्चन है इससे आप डीवाई बाई डी एक्स निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप एक बार डीवाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको दोबारा भी निकालना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, और दोनों का ही यूज है। लेफ्ट साइड में बोल रहा है कि जो डबल डिफ्रेंसिएशन आएगा वो सिंगल डिफ्रेंसिएशन आएगा ना, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। चूंकि गिवन है हमें, क्या गिवन है पहले बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्यों? क्योंकि जब भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर बराबर रहे तब हम लोगों को एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इधर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन बट्टा में क्या डी एक्स इज इक्वल टू डी वन बट्टा में डी एक्स, इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जब भी तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, यहां पे बनेगा यू, यहां पे बनेगा यू और यहां पे बनने वाला है भी। तो यू इंटू भी का फार्मूला लगाएंगे तो यहां क्या फार्मूला बनता है, यू को बाहर कीजिए तो हम यू को बाहर कर लिए, भी का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन प्लस, फिर इस बार भी को बाहर कीजिए तो भी को बाहर कीजिए का मतलब एक्स प्लस वन को बाहर कीजिए, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन तो यू का डिफ्रेंशिएशन का मतलब ई के पावर वाई। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ई के पावर क्या है, वाई है, तो ई के पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ना फार्मूला होता है ई के पावर एक्स, इसलिए यहाँ पे ई के पावर वाई था तो वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए और फिर डी वाई बटा डी एक्स ये ऊपर चल गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर, बराबर उधर देखे तो वन है और वन का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। जरा अब अच्छे से बात करते हैं तो e के पावर y का तो e के पावर y होगा। अब जरा इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे दो टर्म्स में टूटेगा, ये प्लस और माइनस में रहता है तो हम लोग दो टर्म में तोड़ देते हैं। तो एक टर्म में तोड़ेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा वन, और वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा जीरो, प्लस यहां हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू e के पावर y को y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां बनेगा e के पावर y और dy by dx इज इक्वल टू जीरो। तो हमें कुल इस तरीके से मिल रहा है, लेकिन हमें dy by dx का वैल्यू निकालना है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर dy by dx जहां भी रहता है उसको लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं और बाकी जो भी रहता है उसको हम लोग राइट साइड भेजते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वन प्लस जीरो का वैल्यू वन होगा और e के पावर वाई को वन से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर बन जाएगा e के पावर वाई प्लस प्लस एक्स प्लस वन इंटू e के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए तो यहाँ पे क्या है, इधर प्लस में वन e के पावर वाई है, इसको राइट साइड भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहला बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी तो दूसरा बार करना होगा, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करके जो आएगा उसी को हम लोग दोबारा बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस e के पावर y और यहाँ इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, यानी कि x प्लस वन इंटू e के पावर y डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा उधर तो माइनस e के पावर y।
अब चूंकि हमें फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ डीवाई बाई डीएक्स, और इसका वैल्यू निकालना होता है तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड छोड़ते हैं और बाकी टर्म्स जितना भी मल्टीपल में रहता है तो उधर जाता है, तो डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर वाई डिवाइडेड बाई, इधर इधर मल्टीपल है तो इधर चल जाएगा डिवाइड में, यानी कि एक्स प्लस वन के पावर वाई। अब ई के पावर वाई और ई के पावर वाई कैंसिल आउट हो गया, तो प्यारे बच्चों हम लोगों को मिल क्या रहा है, डीवाई बाई डीएक्स का जो पहला बार डिफरेंशिएशन करके आ रहा है, यानी डीवाई बाई डीएक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस वन बट्टा एक्स प्लस वन आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चूंकि एक बार डिफरेंशिएशन करके रुकना तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि यू बोले तो इसका डिफरेंशिएशन जो करके आया है जरा उसको साइड में लिख लेते हैं कि डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। अब आपको क्या करना है, जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया है उसी को हम लोग दोबारा बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करके क्या आया है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। प्यारे बच्चों अब अगेन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पहला बार डिफरेंशिएशन करके आया है इसका मतलब क्या, माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि बट्टा वाला रूल है, ऊपर को मान लेते हैं यू और नीचे को मान लेते हैं वी, ठीक है, तो हम लोगों को फार्मूला क्या होता है कि वी का स्क्वायर करो, तो वी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वन है ना, तो एक्स प्लस वन का क्या हुआ स्क्वायर, भी को बाहर करो तो यहाँ एक्स प्लस वन, यू का डिफरेंशिएशन तो माइनस वन बटा डी एक्स, फिर फार्मूला होता है माइनस, अब की बार यू को बाहर करो तो माइनस वन को बाहर कर लिया, फिर भी का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन। यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे कुछ भी वैल्यू रहेगा, यहां पे अगर कांस्टेंट रह गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चों, जीरो, और जीरो को किसी भी संख्या से या फिर वेरिएबल नॉन वेरिएबल से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू जीरो, तो यहां हो जाएगा जीरो, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन, और इसको भी जरा दिमाग में ही कर लेते हैं, माइंड में ही कर लेते हैं, जब इसको प्लस में दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक होगा डीएक्स बाय डीएक्स और ये वो होगा डी वन बाय डीएक्स, तो जब डीएक्स बाय डीएक्स करेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा वन, और डी वन बटा डीएक्स करेंगे तो वन कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू जीरो, तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्लस वन, और वन प्लस जीरो को एड करेंगे तो वन मिलेगा, और वन को वन से गुना करेंगे तो वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अब आपको प्रूफ क्या करना था जरा याद दिलाते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीजें प्रूफ करना था। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि वन बाई एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर आया है ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो जी हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, वन को कभी लिखते हैं क्या माइनस वन का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होता है वन। आखिर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा और बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको देख पा रहे होंगे कि हम वन को ही क्या बना लिए, माइनस वन बटा माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अब इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसी को ना हम लोग डीएक्स बोल रहे हैं, तो डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर। इसलिए हम लोगों को प्रूव्ड हो गया
यानी कि LHS बराबर RHS, क्योंकि अभी तो हम लोग डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे थे, अब इसी को इस फॉर्म में लिख दिए और ये आ जा रहा है ऐसा फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोल रहा है कि सॉरी यहाँ पे वाई है, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है और आपको शो करना है या यू बोले तो प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू। देखिए फिर से वाई टू आ गया है। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते क्वेश्चन में कि वाई टू दिया हुआ है प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर टू दिया हुआ है, जहां वाई टू का मतलब प्यारे बच्चों होता है डबल डिफ्रेंसिएशन, या फिर यू बोले तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन का मतलब हुआ डी वाई बटा डी एक्स। हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर को जो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसको मल्टीपल करना है फिर से टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन, वाई वन बोले तो डी वाई बटा डी एक्स, और तब कितना आना चाहिए हमें वैल्यू टू आना चाहिए। ये प्रूफ करना है, मतलब LHS से चलते चलते आपको RHS में टू लाना है। लेकिन LHS से आप कब चलेंगे, जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का मान रहेगा, जब आपके पास डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान रहेगा, तभी तो हम लोग दो ला पाएंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, चूंकि y का जो वैल्यू दिया है वो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है, तो अब जब dy बाई dx निकालेंगे पहला बार डिफ्रेंशिएशन, तो ऐसे ना लिखेंगे d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर को अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। आप देखा ध्यान देंगे कि x के पावर कुछ भी रहता है, x के पावर 2, x के पावर 4, तो x के रिस्पेक्ट में ना फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो आधार है, जो बेस है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो ये हो गया टेन इनवर्स, और इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। तो कुल मिलाकर हमें जो पहला बार डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है उसको जरा देखते हैं। पहला बार डिफरेंशिएशन कैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले जब भी पावर होता है तो पावर वाला जो भी रहता है वो आगे आ जाता है, तो 2 आगे आ गया, फिर tan इनवर्स x के पावर कितना बचेगा, दो में से एक घटेगा, तो tan इनवर्स x इंटू, और tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन का क्या मिला है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि dy by dx का जो वैल्यू आ रहा है ये तो ऊपर हो गया ना, यानी कि 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके आ चुका है, जो एक बार डिफरेंशिएशन करके आ चुका है इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि dy by dx का वैल्यू कितना आया है, 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग दोबारा बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोई हार्ड होता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से फार्मूला को यूज करते हुए अच्छे से ध्यानपूर्वक डिफरेंशिएशन करना होता है। जब अगर आप अच्छे से डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो उसको ऑटोमेटिक आप प्रूफ में डालेंगे, LHS में डालेंगे सभी वैल्यू को, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेटिंग करके कैलकुलेशन होकर वो उतना जितना वैल्यू आना है उतना आ जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगेन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो एक बार डिफरेंशिएशन करके आता है जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि अब इसका डिफरेंशिएशन करें कैसे करें भाई, तो ऊपर वाला को हम मान लेंगे u और नीचे वाला को मान लेंगे v,
तो यू बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यू बाय वी का डिफरेंशिएशन होता है वी का स्क्वायर कर लो आप, तो वी का स्क्वायर का मतलब क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर वी को बाहर करो, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किया, यू का डिफरेंशिएशन का मतलब टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस किया, फॉर्मूला में माइनस होता है। अब की बार यू को बाहर करो, तो यू को बाहर करो का मतलब टू टेन इनवर्स एक्स को बाहर किया, वी का डिफरेंशिएशन यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx। चलिए उसके बाद हम लोगों को तो नीचे में रखना ही है इतना वैल्यू, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है, टू को भी बाहर करेंगे तो टू बाहर हो गया। फिर हम लोगों को टेन इनवर्स एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा यहाँ पे, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, फिर माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू इंटू। अब इसको अगर करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, वन बटा डीएक्स तो वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जो पावर रहता है तो उसको पहले ला देते हैं, तो टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, या खुद दिमाग में कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी सकते थे अलग अलग तोड़ के। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो क्या हो रहा है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ बच गया टू, और यहाँ बन गया क्या, जरा फिर से देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऊपर तो टू इंटू वन हो गया टू, माइनस माइनस, अब यहाँ पे जीरो में टू एक्स को एड करेंगे तो कितना बनेगा टू एक्स, ठीक है, और टू एक्स को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो टू टू जा फोर एक्स, फिर इंटू में तो टेन इनवर्स एक्स रहेगा ही रहेगा, ये टेन इनवर्स एक्स, और बटा में कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले जो आप देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों का डबल डिफरेंशिएशन करके आया है, यानी कि इसको हम लोग दो कॉमन भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया, और पहले हम लोग निकाल चुके हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि हम लोगों को LHS से चलते चलते क्या आना चाहिए था। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में फ्रॉम LHS से चलेंगे। तो LHS में क्या है जरा देखते हैं, तो LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए इसको सॉल्यूशन करते करते। तो चलिए हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू आ रहा है टू माइनस फोर एक्स टेन इनवर्स एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर है यहां पे टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, तो यहां पे रखिए टू टेन इनवर्स एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बच्चों आप यहां से देखिए कि इसी को तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखिए चाहे वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों का तो होल स्क्वायर है ना, इसलिए एड में किधर भी जोड़ा जा सकता है, आप दो प्लस पांच करो सात आएगा, या फिर पांच प्लस दो करो सात आएगा, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का सर होल स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो हम इसको कटआउट कर दिए। वैसे ही देख पा रहे होंगे कि यहां यहां भी कटेगा, तो कुल मिलाकर हमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जरा देखिए, यहां क्या बच गया, तो टू माइनस फोर एक्स टेन इनवर्स एक्स, और यहां क्या बन रहा है, तो प्लस में टू एक्स को टू टेन इनवर्स एक्स, तो टू टू जा फोर एक्स टेन इनवर्स एक्स,
तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटल कट गया, एक माइनस में था एक प्लस में था, तो टोटल मिला के प्यारे बच्चों हम लोगों को कितना आ गया 2, जो कि RHS के वैल्यू के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे, यानी कि बहुत इजी वे में हम लोग को प्रूफ कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग 5.7 एक्सरसाइज को, टोटल क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अब हम लोग अगले दिन की क्लास में 5.8 के थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर 5.8 को भी डन करेंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास तक के यहीं को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।